भाई ऐसे मत मारना, पहले कह रहा हूँ मैं, लग जाएगी। अस्थि वहाँ पे बहाते हैं, वो देख सकते हो पीछे आप, तो यहाँ पे अस्थियाँ परवाई जाती हैं। क्या हाल चाल मेरे प्यारे भाइयों की सैडियों के माता पिता को, मेरा नमस्कार और आ गया होगा भाई एक और नई मस्त वीडियो के साथ। आई होप सब ठीक होंगे और खूब सारे मजे कर रहे हो। कुत्ते ऐसी हालत हुई पड़ी है, देख सकते हो कितनी गर्मी लग रही है और कौन सा महीना चल रहा है। अभी फिलहाल के लिए हम जा रहे हैं अरमा नहाने, क्योंकि घर में लाइट नहीं है और लाइट नहीं होगी तो ठंडा पानी नहीं होगा, मोटर ऑन नहीं होगी, मोटर ऑन नहीं होगी तो गर्म पानी होगा और गर्म पानी में हम नहीं नहा सकते भैया। तो आज जा रहे हैं हम अरमा में, टाइटल तो देख ही लिया होगा, शिव की नगरी। उसका कोई एक अच्छा सा रीज़न है, आपको बताऊंगा शिव की नगरी क्या चीज़ है, इसको मैं विस्तार में बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा, ब्लॉग के एंड में बताऊंगा। तब तक के लिए आप ब्लॉग एंजॉय करो। ओ मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी, कर ले मुखबरी ना कर जोरा जोरी, ऐसी प्रीत मेरी है ने गोरी चुलबुली, करे जो छक जोरी क्यों ना। तो भाई साहब पहुंच चुके हैं 3 किलोमीटर का सफर करके अरमा में, जो कि नगरी से 3 किलोमीटर आ गया। तो ये है हमारे बचपन के स्कूल मेट, लगा सकते हो वही है, लगा के सकते हो वही है, तो इनको हम प्यार से चाने बोलते हैं। पानी गंदा हुआ पड़ा है, आपको मछली दिखाता हूँ मैं। तो पानी थोड़ा थोड़ा सा पिलछी हो चुकी है उस पर, बट अच्छा पानी, जब हम उसके अंदर छलांग लगाएंगे तो ठीक हो जाएगा, ऐसे कोई सीन नहीं है। एक और यात्री को लेने जा रहे हैं, मतलब कि दोस्त है वो भी हमारा, स्कूल मेट ही है मेरा, तो आके नहाते हैं फिर हम, तो अभी उसको लेने जा रहे हैं। तो मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी, कर ले मुखबरी ना कर जोरा जोरी। मिलिए इनसे, ये है अमन जी हमारे स्कूल के मित्र। तो देख सकते हैं पीछे का व्यू, ये रहा पानी, तो पहले कोई नहीं था, अभी और भी लोग आ चुके हैं तो पानी साफ हो चुका है, तो कुछ ना कुछ तो फायदा हुआ अमन को लाने का, तो अभी नहाएंगे हम। इधर से जा, वो पूरा गोल घूम गया, पूरा पानी ए टू जेड साफ कर गया, पूरा जी मार गया भाई। पैर बड़ी कर मैं गाइस, अभी हम लेंगे चैलेंज, मैं और आकाश और अमन, यहाँ से जहाँ पे हम खड़े हैं और वो वहाँ तक जाएंगे और वापिस आएंगे, और जो जीतेगा वो आबाजी कर, जो हार जाएगा उसको हम लाद मार के पिछवाड़े पे उसके कुछ फेंक देंगे बाहर। तो गाइस आर यू रेडी? रेडी। ओके वन वेल डन, वेल डन। वन टू थ्री। मैं फर्स्ट आया हूँ, फिर सेकंड आया और जो लास्ट में आया है वो है हमारी लड़की, लड़की उल्टा ही मार रही है। इस बार आपका भाई प्रो है, तो अब जो हारने वाला है उसको जो पनिशमेंट मिलेगी वो को पता ही क्या मिलेगी। प्लीज वो फोन करो, ओए होए होए, सुसाइड गए, सुसाइड गए। अमन प्लीज को फोन कर, काश मर जाएगा भाई, ऐसे मत मारना, पहले कह रहा हूँ मैं, लग जाएगी। ऐसे मारो पर, ऐसे मत मारना, चश के पत्थर पुत्थर कुछ नहीं, चश में मत मारना, लग जाएगी। ओए 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 ऐसे, सुसाइड केस, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़ भाई, ये सुसाइड करने लगा हुआ है। ओ भाई ओ भाई लड़का सुसाइड करने पे आ गया है, पुलिस को फोन किया जाए। ओ ओ ओ ओ ओ ओके हैं, देख सकते हैं कि तो काश इस बार पहले मैं जाऊंगा, उसके बाद जाएगा हमारा काश, पानी के बीच में हवा भाई व्लॉग शूट कर रहा है।
वो भी कैमरे से गोप्रो नहीं है, गोप्रो हो तो बंदा मतलब कि पानी के अंदर भी रख सकता है, कैमरा थोड़ा ही पानी गया तो काम खराब हो जाएगा। बेसिकली आपको ये बता दूं मैं कि जो ये पानी है, जो ये एरमा है, एक तीर्थ स्थान है, इसको हम छोटा हरिद्वार का नाम दे सकते हैं, क्योंकि जो लोग जिनका बजट नहीं होता, जो हरिद्वार नहीं जा सकते हैं, वो एरमा में आ सकते हैं। यहाँ पे पीछे एक बोली है, वो भी दिखाऊंगा आपको मैं, अस्थि वगैरह होती है, वो परवा सकते हो यहाँ पे आके। ये एरमा है, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में नगरी पड़ता है, जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे है। तो कोई बंदा जो हरिद्वार नहीं जा सकता वो यहाँ पे आ सकता है। देखो मैं आपके सामने बात ही कर रहा था, यहाँ पे प्रूफ भी हो गया। अभी कुछ लोग आए हैं यहाँ पे, वो देखो पीछे दिख रहा है ना, अस्थि वहाँ पे बहाते हैं, वो देख सकते हो पीछे आप जितने भी लोग आए हुए हैं। तो मैं बात ही कर रहा था, सही सच हो गया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एक चैलेंज लेंगे हम, शोल्डर के ऊपर पैर रख के छलांग लगाएंगे हम, जो हम बचपन से करते हैं, काफी ज्यादा मजा आता है। तो अभी हम लगाएंगे तो देखते हैं क्या सीट बनता है, बड़ा मजा आएगा। तो चलो चले। ऐसी जीत चाहे जिंदगी है। तो गाइस वो पीछे यहाँ पे बोली थी, वहाँ पे हम नहा रहे थे, यहाँ पे अस्थियाँ और यहाँ पे पूजा होती है, देख सकते हो आप। अगर मेरी बातों का बिलीव नहीं कर रहे हो तो आपको बिलीव हो गया होगा, जो हरिद्वार नहीं जा पाते हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं। मतलब एकमात्र ये भी क्या बोलते हैं, हरिद्वार, छोटा हरिद्वार है, छोटा हरिद्वार है, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा परिचय करवा देता हूँ मंदिर के अंदर जाके, उसके बाद घर चलते हैं। बैटरी डेड होने वाली है और सुबह से खाना नहीं खाया हुआ है, नहीं तो मेरी जान ले लेंगे ये। तो गाइस अभी आ चुके हैं हम एरमा के मंदिर के अंदर। सामने दिख रहा है ये शिव जी का मंदिर है, वो जो सामने दिख रहा है वो भी शिव जी का मंदिर है, वो उसके सामने है वो ब्रह्मा जी का मंदिर है, वो जो ये वाला मंदिर है ये है राम महाराज जी का मंदिर, सीताराम जी का मंदिर। तो अभी आपको दिखाते हैं, अंदर पूजा हो रही है, महादेव जी की पूजा हो रही है, तो आपको दिखाते हैं शिव जी की पूजा। चलो के बज चुके हैं 11 और एडिटिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो गैस बैटरी मेरी डेड हो चुकी थी, तो उसके बाद मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाया। जब मैंने अंदर मंदिर के जाना था, आपको एक्सप्लोर करवाना था, वो मैं करवा नहीं पाया। उसके बाद मैं घर आ चुका, बैटरी डेड होगी, 2 बजे घर पहुंचा, उसके बाद मैं नहाया और मेरे को इतनी ज़्यादा हेडेक हुई, खाना वाना खा के सो गया मैं, और शाम तक मेरे को लिटरली इतनी ज़्यादा हेडेक हो रही थी, क्या ये बोलूँ मैं। तो अभी जस्ट रात के बज चुके हैं 11, आपको पता ही है। तो अभी मैं जस्ट दुकान पर गया, गंद मुंद लेके आया हूँ, क्योंकि पूरी रात जागना है तो कुछ खाने के लिए भी चाहिए होता है, ठूसने के लिए। तो अभी के लिए मैं एडिटिंग कर रहा हूँ और सुबह तक हो जाए मे भी। 3:06 हो चुके हैं और अपना ब्लॉग एडिट हो चुका है, और ये आपके भाई का बाइसेप्स देख सकते हो। रुको रुको एक सेकंड, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था ब्लॉग की जो टाइटल है शिप की नगरी, इसका मतलब क्या, एक सिंपल सा मतलब था, शायद आपने दिमाग लगा भी लिया हो, शायद नहीं लगाया हो। तो देखो भाई साहब, यहाँ पे मैं रहता हूँ, उस जगह का नाम है नगरी, और जहाँ पे हम मंदिर है वो है शिव जी का मंदिर, शिव प्लस नगरी, शिव की नगरी, सिंपल था यार। तो देखो भाई साहब 3 बज चुके हैं और 4-5 बजे तक मेरी कलरिंग हो जाएगी, थोड़ी बहुत कलरिंग हम, ठीक है। उसके बाद मेरे को 6 बजे दूध लेने जाना है और मैं 7 बजे घर आऊँगा, 8 बजे लड़के घर के बाहर जाएंगे, वाईफाई से ब्लॉग एडिट करेंगे और 9 बजे घर वापस आएंगे, 10 बजे अपलोड करेंगे और 11 बजे सो जाएंगे, फिर हम शाम को उठेंगे। तो तब तक के लिए आपने शाम तक के लिए अपने मतलब आग लगा देनी है भैया, इतनी मेहनत करता है आपका भाई, तो थोड़ी तो मेहनत आपको भी करनी चाहिए ना। एक कमेंट करना, एक लाइक करना और एक शेयर करना है, और बस दिल को सुकून मिल जाएगा मेरा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के लिए, तब तक लिए खातरों पितरों मसलों तंदुरुस्त रहो, जय जय वीर बजरंगे, हर हर मान। वक्त बदलता है, यू जस्ट गॉट टू डू यू, खुदा सबका है, मत होना।